हाय गाइस, मेरा नाम डॉक्टर निशा नागपाल है और आज हम बात करेंगे बच्चों में दांत के कीड़े लगना, केरीज लगने के कारण के बारे में जानेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और आप कैसे इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बच्चों में दांतों में कीड़ा लगता है उनको हम क्या बोलते हैं। उसको हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज भी बोल सकते हैं, नर्सिंग बॉटल केरीज या फिर नर्सिंग केरीज। ये हमारी 6 मंथ से लेके 6 साल तक के बच्चे में जो केरीज लगते हैं उसको हम इस नाम से बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जो ये केरीज होती है ये क्यों लगती है, इसका कारण क्या है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये केरीज लगने का पैटर्न क्या है, जिससे कि आप अपने बच्चे में अगर कुछ इस तरह का केरीज लगने का पैटर्न देख रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि ये जो है अर्ली चाइल्डहुड केरीज है। तो इसका पैटर्न क्या होता है, जनरली ये हमारे ऊपर के जो दांत है मैक्सिला, इसके स्टार्टिंग यहाँ से लगती है। स्पेशली आगे के 4 दांतों को ये धीरे धीरे, पहले एक दांत में लगेगी फिर दूसरे दांत में लगेगी, ऐसे ही 4 दांतों को कवर कर लेती है। उसके बाद ये पीछे हमारे मोलर्स में भी लगती है, जो हमारे दाढ़ होती है हमारे मोलर्स में भी इसका केरीज लगना स्टार्ट हो जाता है। जनरली ये देखा जाता है जो हमारे मैंडिबल है, मैंडिबल और दांत है नीचे वाले, उनको ये स्प्योर कर देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, वो हमारे जो है सलाइवा प्रोड्यूस करता है वहां पर। तो वहां पर सलाइवा होने के कारण क्या होता है कि हमारा अगर दांत में कुछ केरीज भी लगी है तो वो रीमिनरलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर कुछ इस तरह से लग रही है, या फिर आप देखते हैं कि बहुत कॉमन सा होता है ब्राउनिश ब्लैकिश हो रहा है दांतों का, धीरे धीरे क्या होता है दांत झड़ने लगते हैं, आधे हो जाते हैं, या फिर कई केसेस में क्या होता है कि पूरा दांत ही चला जाता है, कुछ जड़े सी रह जाती है। ये कारण जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका जो बच्चा है वो अगर आप उसको बॉटल से दूध पिलाते हैं, मिल्क बॉटल का यूज करते हैं और रात के सोते समय अगर इसका जो है यूज करा जाता है, काफी टाइम तक इसके मुंह में रहने से केरीज हो सकती है। पैसिफायर का यूज करते हैं, कुछ हनी जैम कुछ लगा के बच्चे के मुंह में छोड़ देते हैं और बच्चा सो जाता है, तो क्या होता है कि इसको ज्यादा टाइम मुंह में रखने से जो हमारे मुंह में जो है प्लाक फॉर्मेशन होने लगती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है दांतों पे, इसकी वजह से केरीज लग जाती है। या फिर आप अपने बच्चे का जो है ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है, अच्छे से टूथब्रश नहीं हो पा रहा है बच्चे का, अच्छे से गुड ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही है, डाइट जो है वो न्यूट्रिशन नहीं हो पा रही, तो अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले जो है आपको अपने बच्चे की जो दांत है उनकी सफाई टूथब्रश कराना, वो आप खुद करें। देखिए 6 साल तक का जो बच्चा होता है, अगर आप उसे खुद उसका ब्रश करवाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप जो है ज्यादा अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं, जो बच्चा है वो इतने अच्छे से अपने दांतों को क्लीन नहीं कर पाएगा। तो आप जो है अच्छे से जो है दांतों को क्लीन करिए। छोटे बच्चे होते हैं जिनके अभी तक दांत भी नहीं आए होते हैं, उनके भी मसूड़ों को साफ करना चाहिए, क्योंकि जो दूध होता है, जो मिल्क पीते हैं, वो अपर लिप और मसूड़े के बीच में रह जाता है। तो आपको गम्स को भी क्लीन करना है, एक कॉटन का क्लोथ या गॉज लेके अपने फिंगर पे राउंड करके उसको गीला करके अच्छे से गम्स को क्लीन करना है बच्चे। और रात को अगर आदत है बॉटल की पैसिफायर मुंह में लेने की, तो वो आपको छुड़वानी है। धीरे धीरे ही ये होता है, पर धीरे धीरे ये आदत को आपको छुड़वाना है। ये अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। केरीज अगर लगी होती है तो अगर थोड़ी सी है तो इसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं, रेस्टोरेशन हो सकता है किसी फिलिंग मटेरियल से, बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ सकता है। इन छोटे बच्चों के केसेस में क्या होता है, फ्लोराइड एप्लीकेंट्स भी लगाते हैं, जिससे कि प्रिवेंट हो जाए आगे जो दांत है हमारे उनमें केरीज ना लगे।